नमस्कार दोस्त, रेमेडी अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप जरूरत से कम नमक खाते हैं तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने रेमेडी अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक आपने सुना होगा कि ज़्यादा नमक खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है और खाने में ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कम नमक भी नुकसानदायक है? जी हाँ, नमक की कमी भी आपकी सेहत को ख़राब कर सकती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कम नमक खाने से होने वाले नुकसान के बारे में। दोस्तों, कम नमक खाने वाले लोगों में रेनिन, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर सामान्य लोगों की तुलना में अधिक होता है। कम नमक खाने पर आप सोडियम और पर्याप्त मात्रा नहीं ले सकेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। नमक की कमी का सीधा संबंध इंसुलिन संवेदनशीलता से है। यह इंसुलिन संवेदनशीलता को घटाता है, जबकि कार्य क्षमता बढ़ाता है। इससे संवेदनशीलता की कमी डायबिटीज से पहले का चरण है। अगर आप इस डर से नमक खाते हैं कि ज़्यादा नमक खाने से आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, तो हम आपको बता दें कि बिना कारण नमक कम खाना आपको लो ब्लड प्रेशर का मरीज जरूर बना सकता है। इसके अलावा, नमक कम खाने की स्थिति में आपको सुस्ती, उल्टी जैसा मन होना व मन कच्चा होने जैसी समस्याएँ हो सकती हैं, जो दिमाग व हृदय की सूजन की ओर इशारा करती हैं। अगर आप शारीरिक परिश्रम अधिक करते हैं तो आपको नमक की भी उतनी ही आवश्यकता होती है दोस्तों। तो दोस्तों, देखा आपने, बिना कारण नमक कम खाना या नमक छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल रेमेडी अपडेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।